नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर यूट्यूब मंथली इनकम? दोस्तों अगर मैं उस दिन ओमे गर्ल पे आदर्श से नहीं मिली होती, प्यार किसको नहीं होता, हर किसी को प्यार होता है, मुझे वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आज हमारे 100 ब्लॉग्स पूरे हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो फिर इसी खुशी में मैंने सोचा मैं क्यू एन ए बनाती हूँ। क्यू एन ए आराम से बैठ के बनाएंगे, तो उससे पहले रेडी होते हैं, तो रेडी होके मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। क्यों हुई मैं रेडी? ऐसी हुई मैं रेडी वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाली हूँ, तो पहले कैमरा सेट कर लेते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं तब करते हैं। तो आप लोग काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे क्यू एन ए वीडियो बनाओ, क्यू एन ए वीडियो। तो फाइनली हम आज क्यू एन ए वीडियो बना रहे हैं अपने 100 व्लॉग को स्पेशल करने के लिए। तो ये वीडियो ऐसा ही होने वाला है, मतलब बैठ के मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी। तो मैंने ये वाली स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दोस्तों, हमें 10,000 से 15,000 तक क्वेश्चन मिले हैं। इतने सारे क्वेश्चंस, मैं सुबह उठी जल्दी, ठीक है 9 बजे करीब उठ गई थी, और मेरे को 9 बजे से 2 घंटे हो गए, 11 बज गए, मैं क्वेश्चंस स्क्रॉल कर रही थी। भाई इतने सारे क्वेश्चंस, भाई ये खत्म ही नहीं हो रहा है मीटर, इतने सारे। भाई आप लोग क्या हो यार, आप लोग खतरनाक हो भाई साहब। मतलब एक वीडियो में तो मैं सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाऊंगी, शायद 2 वीडियो में भी नहीं कर पाऊं, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 10-15 वीडियोस लग जाए मुझे सारे क्वेश्चंस कवर करने में। सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो ज्यादा 70 लोगों ने पूछे होंगे वो मैंने बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट करे, क्योंकि भाई मैं थक गई थी यार इतने क्वेश्चंस पढ़ के, मैं सारे क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ पाई हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक तो पता क्या, मैंने क्वेश्चंस के लिए बोला था, आप लोग यार मेरे को मैसेजेस भेजने लग गए उस क्वेश्चन वाले उस पे, बट कोई बात नहीं, मैंने वो भी पढ़े, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी भेजे थे आपने उसमें, अच्छा लगा पढ़ के। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि आप इतनी अच्छी कैसे हो और हर वक्त इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। मतलब टाइप के क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे आए थे कि आप पॉजिटिव कैसे हो, आप इतने हंसते कैसे रहते हो, आप इतना खुश कैसे रहते हो। दोस्तों पता नहीं, हो जाता है अपने आप, शक्ल ये ऐसी हंसने वाली शक्ल है, मतलब ऐसे मैं रह भी नहीं पाती ज्यादा देर। हाँ दोस्तों मैं खुश ही रहती हूँ ज्यादातर, तो कभी कभी दुखी हो जाती हूँ, बट फिर वो दिखता थोड़ी है, मतलब वो दिखाती नहीं वीडियोस में। हर इंसान के दोनों रूप होते हैं, खुशी भी होता है वो, दुखी भी होता है वो। मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं, पर मैं हाँ मैं खुश रहती हूँ ज्यादातर, मैं खुश ही रहती हूँ और मैं हंसती रहती हूँ। योर फेवरेट फूड, ये भी मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि आपका फेवरेट खाना क्या है और पहाड़ी खाने में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं बता दूं, सबसे फेवरेट मेरा पहाड़ी खाना ही है, मेरे को मेरा कंफर्ट फूड है पहाड़ी खाना, लाइक फाणू बाड़ी, धबड़ी भात, थिचोनी, आलू की थिचोनी, मूली की थिचोनी और हरी सब्जी, और मतलब ये सब जो भी पहाड़ी खाना होता है ना, ये सारा मेरा कंफर्ट फूड है, सब ही मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार से खाती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी खाना। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने पूछा था, आप आदर्श को पहले से जानती थी या रैंडमली ओमेगल पे मिले थे आप? बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड भी। तो आदर्श को मैं पहले से नहीं जानती थी, उनके वीडियोस मैंने देखे थे यूट्यूब में, बट मैं ऐसे नहीं जानती थी उनको, तो हम लोग ओमेगल पे ही मिले थे रैंडमली, और उसके बाद तो आपको पता ही है हम दोस्त बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अर्निंग करते हो ? अगर हाँ तो कैसे? हमें भी करनी है। YouTube से पहले भी मैं अर्न करती थी, मतलब YouTube से तो अब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है, पर उससे पहले भी मैं अर्न करती थी, मंथली मैं 25,000 to 30,000 अर्न कर लेती थी उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं इंटर्नशिप्स करती थी और मैं पियानो सिखाती थी, होम ट्यूशन देती थी पियानो के, तो घर जाके मैं पियानो सिखाती थी बच्चों को। पहले बहुत कम कमाती थी, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा ज़्यादा मेरा अर्निंग हो गया था, फिर उसके बाद अब मेरा यूट्यूब जब से ग्रो हुआ है तब से मेरी यूट्यूब से भी अर्निंग होने लगी है, और बस ऐसी मेरी अर्निंग होती है। अब मैं इंटर्नशिप तो नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए कोई भी, क्योंकि मैं अपना फुल टाइम यूट्यूब कर रही हूँ और कॉलेज चल रहा है साथ में, वो कर रही हूँ। तो जब मैं सिखाती थी पियानो तब मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता था, मैं सुबह जल्दी उठती थी, कॉलेज जाती थी, फिर कॉलेज के बाद, मतलब कॉलेज शाम तक चलता था, फिर मैं कॉलेज के बाद पियानो सिखाने जाती थी, फिर घर आती थी, फिर खाना बनाओ, साफ सफाई, ये सब करके, मतलब बहुत मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो किया था पैसे अर्न करने के लिए, बट अब ऑल गुड है। फिलहाल के लिए मेरी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यूट्यूब से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? तो अभी तक यार आप लोगों को पता नहीं चला क्या कि मैं उत्तराखंड से हूँ? मैंने इतनी बार बता दी ये बात थी कि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में मैं कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 है। एक किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा यूनिक लगा, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस दिखे बट ये क्वेश्चन मेरे को किसी एक ही बंदे ने पूछा है, अगर आपको उर्फी जावेद से मिलने जाना हो तो आप किस तरह से रेडी होकर जाओगे? यार अगर मुझे उर्फी जावेद से मिलने जाना हो तो मैं क्या पहनूं? तो शायद मैं उर्फी जावेद का ही डिजाइन किया हुआ कोई आउटफिट पहन के चले जाऊं, या उसी से इंस्पायर होकर कुछ पहन के चले जाऊं।
तो भाई जब उर्फी जावेद से मिलना होगा तब की तब देखी जाएगी क्या पहन के जाऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी एज में यूट्यूब खोला था आपने? ये भी मुझसे काफी लोगों ने पूछा था, आपने यूट्यूब कब स्टार्ट करा था? जब मैं 11th क्लास में थी तब मैंने स्टार्ट करा था। मैं अपने सॉन्ग कवर्स डालती थी, ऐसी छोटे छोटे से पियानो वगैरह प्ले करती थी। उसके बाद मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं थी यूट्यूब पे, बहुत कम मैंने वीडियोस डाले थे पहले। उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर फरवरी से ही बर्थडे व्लॉग था मेरा, वो पहला, पता नहीं क्यों एकदम से मेरा मन किया कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, व्लॉग करने का मन करा मेरा, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट भी हुई। एंड बस तब से लेके अब तक का सफर है, अब मैं कंसिस्टेंट हूँ यूट्यूब में। एंड अब तो मेरा रूटीन काफी अच्छा हो गया कि हर एक दिन छोड़ के ठीक 2 बजे अब मेरा व्लॉग आने लगा है। तो ऐसे स्टार्ट करा था मैंने यूट्यूब। किसी ने मुझसे पूछा, दीदी क्या आप IITian हो? क्या आपको मुझे देख के लगता है कि मैं IITian हूँ? नहीं यार, मैं IITian नहीं हूँ। यार काफी लोगों ने ना मुझसे फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि आपका कॉलेज खत्म होने वाला है तो आप क्या करोगे कॉलेज के बाद। ये लोग मेरे को रियलिटी चेक दे रहे हैं। जितने लोगों ने मुझसे पूछा है ना कॉलेज के बाद क्या करोगे, आपका कॉलेज खत्म होने वाला है, इसके बाद क्या प्लान्स, आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या है, तो इन लोगों ने मुझे रियलिटी चेक दे दिया भाई। मैंने अभी तक कोई प्लान ही नहीं करा है। चलो देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन लव? यस, विद माई सेल्फ। मजाक कर रही हूँ, प्यार किसको नहीं होता, हर किसी को प्यार होता है। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है बस प्यार तो हो ही जाता है, हर किसी को जिंदगी में होता ही है प्यार किसी ना किसी चीज से या किसी से, मुझे अपने आप से ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आदर्श आपके बॉयफ्रेंड हैं? तो ये भी मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि आप और आदर्श भैया रिलेशन में हो, क्या आदर्श आपके बॉयफ्रेंड है, ये सो वो सो। नहीं दोस्तों, आदर्श मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं अच्छे, मेरा कोई भी अभी बॉयफ्रेंड नहीं। ये भी काफी लोगों ने पूछा कि आप सिंगल हो या कमिटेड हो, मैं सिंगल हूँ दोस्तों, मैं कमिटेड नहीं हूँ, बस यही बताना था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने मुझसे पूछा, जब आप छोटे थे तो आपने क्या सोचा था आप बड़े होके क्या बनोगे? मतलब मेरे को हमेशा से यही था कि मुझे ना दिखना है स्टेज में, दिखना है, या फिर मैं छोटे में ना ये वो सोचती थी मुझे बड़े होके फेमस बनना है, फेमस होना है। मेरी मम्मी बताती है, मैं ऐसे हीरोइन मतलब टीवी में देखती थी ना जब एक्ट्रेस को, तो मैं देखती हूँ बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है बड़े होके। मैं हमेशा से मेरे मन में यही सब चीजें रही, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं डॉक्टर बनूंगी, टीचर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी या कुछ ऐसे बनूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने मुझसे पूछा मेरा क्रश, हु इज माई क्रश? मेरे को सबसे बड़ा क्रश विक्की कौशल पे, मुझे विक्की कौशल बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा अभी मेरा कोई क्रश नहीं है, मुझे विक्की कौशल पसंद है बहुत ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन मुझे काफी बार पूछा गया, व्हाट क्वालिटीज डू यू वांट फ्रॉम योर फ्यूचर हस्बैंड? कि आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी मेरा फ्यूचर हस्बैंड मतलब अभी मेरा हस्बैंड आने में या हस्बैंड बनने में बहुत टाइम है वैसे तो, पर क्या क्वालिटीज हो मेरे फ्यूचर हस्बैंड में? क्वालिटीज क्यों, चाय अच्छी बनाए, बाकी सब चीज जाए बाहर ना, बस उसको चाय बनानी आनी चाहिए। मैं सुबह उठूं और मेरे पास चाय होनी चाहिए, वो बस मेरे को दिन भर चाय पिलाता रहे अच्छी। फिलहाल तो मेरी प्रायोरिटी सेट है चाय, उसके ऊपर मैं कोई चीज नहीं देखती, तो इसलिए चाय। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, आपकी मम्मी कैसी है? तो मेरी मम्मी अब ठीक है, पहले से बहुत अच्छी है, एंड मेरी मम्मी चलने लग गई है थोड़ा थोड़ा, तो और घर भी चले गई है अभी, तो फिर आएगी 3 हफ्ते बाद वापस, तो अभी मम्मी ठीक है। थैंक यू दोस्तों पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी चल रही है? तो ये कॉलेज लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे काफी सारे। तो मेरी कॉलेज लाइफ तो यार बहुत अच्छी रही, अब खत्म होने वाली, थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, मिलेंगे, सबसे मिलते रहेंगे, ऐसा तो सब हर कोई बोलता है, बट देखते हैं कितना मिलते हैं। पर मैं बता रही हूँ मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे काफी अच्छी रही। मैंने बहुत मजे करे हैं कॉलेज में, बहुत अच्छे दोस्त बनाए कॉलेज में, और जितने लोगों से मैं कॉलेज में मिली मैं मतलब सब अच्छे ही थे, कोई ऐसे मेरे को बुरा नहीं मिला ज्यादा कॉलेज में, मतलब सब अच्छा रहा। मेरी रैगिंग भी नहीं हुई कॉलेज में, खैर रैगिंग तो अब कहीं भी होती नहीं है, पर अच्छी रही मेरी कॉलेज लाइफ बहुत। दीदी आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली में, मम्मी पापा मेरी छोटी बहन और मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप यहाँ तक आए इसमें सबसे ज्यादा आपकी हेल्प किसने की, मम्मी ने या पापा ने या अदर? देखो पापा मेरे आर्मी में थे तो पापा थोड़े मेरे स्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, तो मैंने पापा को तो अब जाके पता लगा है कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाती थी या कुछ भी ऐसा करती थी और इंस्टाग्राम वगैरह में मैं थी एक्टिव या कुछ भी, मेरे पापा को सब अभी पता लगा है। बाकी मम्मी को स्टार्टिंग से पता था, मम्मी ने स्टार्टिंग से हमें करने दिया ये सब, पूरी छूट दी, सारे मजे करने दिए। पापा ने भी मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थी, पर पापा स्ट्रिक्ट हैं थोड़े उस हिसाब से, ज्यादा मम्मी से काफी ज्यादा। अगर वैसे देखा जाए तो
मम्मी ने सपोर्ट ज्यादा करा है इस फील्ड में आने के लिए, बट पापा को जब पता लगा कि मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, उसके बाद पापा का कोई ऐसे गंदा रिएक्शन नहीं था। पापा ने एक्सेप्ट करा, पापा खुश हैं अब, और पापा मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं, पापा अभी ये वाला वीडियो भी देख रहे होंगे। यही है, अभी तो सब खुश है, सब अच्छे हैं घर पे। टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन जस्ट लाइक योर्स, ये भी मुझे मतलब काफी लोग मुझसे ना टिप्स मांग रहे हैं कि कुछ स्किन केयर टिप्स दो, ये करो वो करो। तो उसमें मैं क्या टिप्स दूँ स्किन केयर के रिगार्डिंग, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ तो यार सबकी स्किन अच्छी होती है, बस यही है पानी पियो और बाहर का मत खाओ। मैं कैसे बोल सकती हूँ ये चीज़ जब मैं खुद इतना बाहर का खाती हूँ, पता नहीं यार, मेरे को लगता है ये गॉड गिफ्ट है जो स्किन होती है। मेरी बातों को इग्नोर करो दोस्तों, मुझे खुद नहीं पता कि हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन, वो तो मुझे तुक्के से मिल गई, दे दी भगवान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव? 1 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दोस्तों, फिलहाल के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है मेरा बिगेस्ट ड्रीम। सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो चुलबुली लड़की, आप इतने चुलबुले कैसे हो? पता नहीं यार, नेचर, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसे चुलबुली हूँ ज्यादा, थोड़ी जॉली नेचर है मेरा, बट पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप उस दिन ओमेगल पे आदर्श से नहीं मिले होते तो आपकी लाइफ कैसी होती? छोटा सा स्पीच तो बनता है दोस्तों। अगर मैं उस दिन ओमेगल पे आदर्श से नहीं मिली होती तो शायद अभी मैं यहाँ पे नहीं होती, मेरे पास इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं होती और इतने अच्छे लोग नहीं मिलते मुझे। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए, मैं आदर्श के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। हाँ, तो मैं उस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन हम मिले ओमेगल पे, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू आदर्श को, सबको थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आदर्श के साथ व्लॉग कब आएगा? ये भी काफी लोग बोल रहे थे आप दोनों के साथ में व्लॉग कब आएगा। आएगा दोस्तों, जब मिलेंगे तो व्लॉग बनाएंगे ऑब्वियसली। तो यार अभी मतलब जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो आदर्श लोग सब आए थे घर पे, मम्मी से मिलने आए थे, तो वो सब चीजें हमने व्लॉग नहीं करी थी, पर वो आए थे मिलने के लिए। मम्मी से भी मिले थे, मुझसे भी मिले थे वो लोग, प्रीतीश भैया, आदर्श, सब लोग आए थे और काफी देर बैठे भी रहे थे। तो हमने उस टाइम पे व्लॉग नहीं करा क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम व्लॉग कैसे करते उस टाइम पे, पर हम मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ? मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, आप लोग, सब लोग स्पेशल ही हैं यार मेरे लिए तो। नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर रिलेशन विद नितेश भैया इन 1 वर्ड। तो ये भी काफी लोग यार, नितेश भैया से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पे आए थे। तो नितेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसने मेरा मतलब जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई तब से उसने मेरा काफी सपोर्ट किया है, तो हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं यार। और ये क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपके वीडियोज कौन एडिट करता है? तो मेरे वीडियोज नितेश ही एडिट करता है, एंड वही अभी ये वाला वीडियो भी उसी ने एडिट करा है, सारे वीडियोज वही एडिट करता है, मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोज नितेश एडिट करता है, और मैं नितेश के लिए भी बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आपकी मम्मी से कहीं भी जाने की परमिशन कैसे मिल जाती है? ट्रस्ट दोस्तों, मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यार मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैं छोटी थी, जब से मैंने बाहर निकलना स्टार्ट करा, एक तो मम्मी ने कभी हमको ना घर पे ऐसे बांध के नहीं रखा, ऐसे नहीं बोला कि यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ये मत करो, वो मत करो, समझाया कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। उसके बाद मम्मी ने कभी ऐसे रोका टाकी नहीं करी, हमारे लिए कभी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी घर पे। पापा की तरफ से थोड़ी सी है, थोड़ी सी थी, बट क्यों ना, क्योंकि कोई ना कोई एक तो घर का होता ही है यार, एक तो रिस्ट्रिक्शन देता ही है। मम्मी हम पे बहुत ट्रस्ट करती है, मेरे पे भी, मेरी छोटी बहन पे भी, और हमने कभी वो ट्रस्ट तोड़ा नहीं, हमेशा हर बात मम्मी को बताई, जहां भी गए, किसी के भी साथ गए, दोस्तों के साथ गए, कहीं भी गए, मम्मी को सब कुछ सच सच बताया, बस इसीलिए वो मेरे को कोई किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करते स्टार्टिंग से। और अब तो बड़े भी हो गए हैं, अब तो वैसे भी नहीं करेंगे, बट बचपन में भी नहीं करी कभी रोक टोक, और हमेशा परमिशन मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कोर्स आर यू डूइंग एंड इन विच कॉलेज? तो काफी लोगों ने पूछा ये क्वेश्चन। मैं पढ़ती हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी में नोएडा, एंड मैं कोर्स कर रही हूँ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट से। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आप कुछ ज्यादा ही खुश लगती हो। यार ये कैसा क्वेश्चन है, खुश लगना कोई गलत बात थोड़ी है यार, कोई खुश लगता है तो आप लोग भी खुश लगा करो। किसी ने मुझसे पूछा आप गढ़वाली हो या कुमाऊनी? मैं गढ़वाली हूँ दोस्तों, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, और मुझे गढ़वाली बोलनी भी आती है और बींगनी भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर यूट्यूब मंथली इनकम? तो यही है बस दोस्तों, मेरी यूट्यूब इनकम इतनी है कि मैं अपना रेंट टाइम पे दे देती हूँ, अपने खर्चे उठा लेती हूँ, खा पी लेती हूँ आराम से, बस। ये कैसा क्वेश्चन है, आप सच में पागल हो या एक्टिंग करते हो? मैं पागल हूँ दोस्तों, मैं सच में पागल हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट एंड वन थिंग यू वांट टू गेट रिड ऑफ। तो जो पहली चीज है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती वो है चाय। दोस्तों चाय के बिना मेरी लाइफ
बिल्कुल नहीं है, खत्म है, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। जिस दिन मुझको चाय नहीं मिलती ना, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब रहता है। पता नहीं क्या यार, मेरे को बहुत बहुत पसंद है चाय। मतलब चाय, सुबह उठते ही मेरे को चाय चाहिए, रात को सोते सोते तक भी मेरे को चाय चाहिए। मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझसे मेरी चाय मत छीनना, बाकी सब कुछ छीन सकता है। मुझसे मेरा पैसे ले लो, दोस्त ले लो, सब ले लो, पर मुझसे चाय मत लेना प्लीज यार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फर्स्ट प्रपोजल कब मिला था? मुझे फर्स्ट प्रपोजल मिला था 6th क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं और आप उनसे अलग क्यों रहते हो, आप अकेले क्यों रहते हो? तो मेरे मम्मी पापा उत्तराखंड में रहते हैं, कोटद्वार में रहते हैं, और मैं उनसे अलग इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं 12th के बाद अपने कॉलेज के लिए बाहर आई थी घर से, एंड तब से ही मैं अकेले रहती हूँ। तो मेरे को अकेले रहे रहे 3-4 साल होने वाले, अकेले रहते रहते अब तो मुझे आदत लग गई अकेले रहने की। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि आप अकेले रह के बोर नहीं होते, या कभी आपको ऐसे लगता नहीं कि आप बहुत अकेले हो, या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था वो। हाँ ये रहा ना, कि आप अकेले कैसे रह लेते हो, आपको अकेले बोरियत नहीं आती या कभी अकेला फील नहीं होता? नहीं यार दोस्तों, अब तो मुझे आदत हो गई अकेले रहने की। ऊपर से मैं कभी ना, मतलब मैं बहुत बिजी हो गई थी उसके, जब मैं यहाँ पे आई उसके बाद कुछ टाइम मेरे को लगा अकेला अकेला फील हुआ, पर उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी। मैं काम धाम करने लग गई, होम ट्यूशन देने लग गई, इंटर्नशिप्स करने लग गई थी, तो उसके बाद मेरे को टाइम का पता नहीं लगा। और अकेले अभी भी मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ बोरियत वोरियत नहीं आती ज्यादा। कभी कभी आती तो मैं बाहर चले जाती हूँ, अकेले ही बाहर चले जाती हूँ। और मैं बता दूँ दोस्तों, अकेले रहने में सच में बहुत मजा आता है। एक बार अगर आपने अकेले रहना शुरू कर दिया ना भाई, तो उसके बाद आप, मतलब आपको ऐसे जरूरत नहीं लगेगी किसी के अपने आसपास हमेशा। तो अकेले रहने से ना आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, एंड मैंने तो बहुत कुछ सीखा अकेले रह के, बहुत सारी चीजें सीखी। अकेले बहुत कुछ मैनेज करना आता है, मेरे को नहीं आती दोस्तों बोरियत बिल्कुल भी अकेले रह के, मजा आता है मुझे, मैं अपने आप में खुश रहती हूँ अकेले रह के। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कनिका देवरानी। किसी ने मुझसे बोला है, दीदी जीजा जी से कब इंट्रोड्यूस करवा रही हो ऑफिशियली? अभी जीजा जी आने में बहुत टाइम है दोस्तों, जब आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी अपने करियर पे फोकस करते हैं, ठीक है? जीजा जी तो आ ही जाएंगे, जीजा जी तो मिल जाएंगे कुछ सालों बाद। चाय और आपका प्यार कब से है दी? और नितेश भैया इज बेस्ट ब्लॉगर, उन्हें कहना जल्दी से अपनी पेंटिंग बनाओ और उनसे पूछो कब तक बना के देंगे। चाय और मेरा साथ दोस्तों बचपन से है, मैं बचपन से चाय पीती हूँ और बहुत चाय पीती हूँ। बाकी नितेश ब्रो से बोलना वो पेंटिंग जल्दी बना के दे, तो ये तो नितेश तू खुद ही सुन ले कि तू मेरी पेंटिंग जल्दी बना के दे। ये भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, नितेश भैया आपकी पेंटिंग कब बनाएंगे कब बनाएंगे। अभी भी कमेंट करके बोलो, इसे मेरा स्केच बनाया यार, कितना परेशान कर दिया इसने, अभी तक स्केच नहीं बनाया मेरा, पर बना देगा दोस्तों। अभी बिजी चल रहे ना, थोड़ा तो टाइम नहीं मिल रहा होगा उसे, कोई बात नहीं, बना देगा, ठीक है? If your parents give you a choice between arranged marriage or love marriage, which one would you choose? Love marriage. Arrange नहीं, love marriage करेंगे। Next question, एकदम से famous होके कैसे लगा और अब क्या change आया है life में? तो दोस्तों मैं बताती हूँ, मतलब जब एकदम से ऐसे fame मिलना start हुआ, लोग ऐसे पहचानने लग गए, तो ये सब बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मैं नर्वस हुई थी स्टार्टिंग में, बट अब मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे को, आप लोग मुझे पहचानते हो, आप लोग मुझसे मिलने आते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बातें करना। सच बताऊं तो ढंग से प्रोसेस करने का टाइम मुझे भी नहीं मिला, कि सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मैं प्रोसेस नहीं कर पाई। मुझे पता नहीं लगा कब मैं कहां से कहां पहुंच गई, और नहीं पता लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी वन मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू थॉट दैट आई नीड समवन अदर देन माय पेरेंट्स? ये तो होता ही है, काफी बार हम काफी बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, तो हमें लगता है कि मतलब हमें कोई और चाहिए होता है, तो कोई दोस्त हो या फिर कोई और चाहिए होता है पेरेंट्स के अलावा, क्योंकि पेरेंट्स हर बात हम पेरेंट्स से नहीं बोल पाते। मेरे पास मेरी छोटी बहन है बात करने के लिए, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। मेरे पास मेरे दोस्त है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये पूछना है कि आप कॉलेज खत्म होने के बाद भी नोएडा रहोगे या वापस अपने घर जाओगे? तो इसका मेरे को अभी खुद नहीं पता दोस्तों, पर इतना तो मुझे पता है कि अभी मैं तो जिधर मैं अभी रेंट पे रह रही हूँ, इधर 1 साल की तो लीज साइन हो रखी है, तो 1 साल तक तो मैं इधर ही हूँ, लाइक अक्टूबर नवंबर तक तो मैं नोएडा हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। अभी देखते हैं क्या होता है, मैं खुद भी नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी लोगों ने पूछा था, आप प्लेसमेंट लोगे कि यूट्यूब कंटिन्यू करोगे? तो फिलहाल मैं अभी प्लेसमेंट तो मैं शायद नहीं लूंगी, अभी मैं यूट्यूब ही कंटिन्यू करूंगी। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, प्यार कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए दोस्तों। दी हाउ यू फील टू बी लिव अलोन एंड आपको आपके घर वालों ने अकेले रहने की परमिशन कैसे दी? तो इसके पीछे तो बहुत, मतलब बहुत कुछ हुआ था तब जाके मुझे अकेले रहने की परमिशन मिली थी।
और इसके लिए मैंने बहुत लड़ाई करी थी पापा से मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं लड़ाई करी थी, पर मम्मी ने मुझे अलाउ कर दिया था अकेले रहने के लिए, पर पापा थोड़ा डर रहे थे कि कैसे रहेगी अकेले, क्या करेगी वहाँ पे, ये सो वो सो, पर पापा भी मान गए थे एंड फिर मैंने अकेले रहना स्टार्ट करा। जब मैंने अकेले रहना स्टार्ट करा तो मैं बहुत छोटी थी दोस्तों, मैं 18-19 साल की थी, तो मतलब छोटी वैसे छोटी नहीं थी, बट मैं बहुत छोटे शहर से आई थी, कोटद्वार से, मतलब प्यारा सा छोटा सा हमारा शहर है कोटद्वार, तो मतलब एकदम छोटे से शहर से मैं इतने बड़े शहर नोएडा में आ गई थी एकदम से। पहले मेरे को बहुत बड़ा लगा वो चेंज, पर मैंने एडजस्ट कर लिया था एंड अब तो मुझे मजा आता है अकेले रहने में। तो दोस्तों आज के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है कि दीदी हाउ डू यू मेंटेन योर फैमिली टॉन्ट्स, आई मीन टॉन्ट्स ऑफ रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स। तो मेरे को ऐसे टॉन्ट्स किसी ने मारे नहीं अभी तक कि मैं बोलूं कि मेरे को कैसे लगे क्या लगे, सब लोग अच्छे हैं यार, सबने अच्छे, सब खुश हैं अभी मेरे YouTube के उस मतलब YouTube देख के। पहले भी जब मेरा इतना ग्रो नहीं हुआ था YouTube तब भी सारे रिलेटिव्स मेरे वीडियोस देखते थे और सारे दोस्त भी देखते थे, तो ऐसे कोई टॉन्ट मेरे को अभी तक नहीं पड़े जिनका मेरे को ज्यादा फील हुआ हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, आगे जाके अब पढ़ेंगे तो पता नहीं, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो टच वुड दोस्तों अभी तक सब अच्छा चल रहा है, भगवान जी को थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू, मेरे सारे रिलेटिव्स को थैंक यू, दोस्तों को थैंक यू, मेरी फैमिली को थैंक यू। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 बनाऊं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, इस वीडियो में आप लोग 1000 कमेंट्स कर दो तो मैं Q&A का पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगी आपके सामने, जो जो क्वेश्चंस मिस हुए हैं, और अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं कुछ तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं वही वाले क्वेश्चंस आंसर करूंगी, ठीक है। तो बाकी सॉरी दोस्तों अगर किसी के क्वेश्चंस मिस हुए होंगे या फिर मैं आंसर नहीं कर पाई होंगी ढंग से, क्योंकि यार आप समझो यार इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे से जितना उपाय मैंने उतने आंसर्स करे, बट कोई बात नहीं, अभी आगे भी वीडियोस बनाएंगे तो उनमें आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो आज का वीडियो, तो बस नीचे 1000 कमेंट्स कर दो फटाफट से, फिर पार्ट 2 आ जाएगा इसका जल्दी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक दिन छोड़ के ठीक 2 बजे मेरा ब्लॉग आता है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और ऐसे ही हमारे साथ वीडियोस में बने रहो और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।